नमस्कार, करियर में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम देख रहे हैं आपको वैकेंसी आई है हरियाणा से। देखिए, इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। कैटेगरी के कॉलम दिए गए हैं और डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ को दो वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में एक अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए। फिर वैसे यू असिस्टेंट प्रोफेसर की एक ओबीसी के लिए है और एक वीकर सेक्शन के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में प्रोफेसर की एक वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व के लिए है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में प्रोफेसर की एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में देखें तो एक वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की है अनरिजर्व के लिए। अगर कैटेगरी में पोस्ट नहीं है तो आप अनरिजर्व में भी फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि अनरिजर्व सबके लिए ओपन होता है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में देखें तो एक वैकेंसी है ओबीसी के लिए प्रोफेसर का, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में एक पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर का। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में देखें तो दो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें एक अनरिजर्व के लिए है और एक वैकेंसी ओबीसी के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस में एक पोस्ट प्रोफेसर का है अनरिजर्व के लिए, फिर एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर का अनरिजर्व के लिए। तो ये वैकेंसी है, आपको लगभग 8 सब्जेक्ट में वैकेंसी है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है बट। तो ये देखिए, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की वैकेंसी है। इसमें ये जो है फिलहाल एक मतलब टेम्प्रोरी वैकेंसी है, पर ये चांसेस है कि इसमें आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन, आप देख सकते हैं 31 जनवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। आप यहाँ पे लेवल देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 का पेमेंट होने वाला 7th पे कमीशन के हिसाब से। फिर एसोसिएट प्रोफेसर का 13A वाला है, फिर प्रोफेसर का 14 वाला है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन देख सकते हैं, यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से इसमें आपको क्वालिफिकेशन मांगी गई है और जो टेक्निकल कोर्स है उसमें AICTC और NCTE के रेगुलेशन के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PhD मैंडेटरी नहीं है, नेट मैंडेटरी होने वाला है, यानी नेट होना ज़रूरी है। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ देखिए, फ़ी की बात करें हम, अनरिजर्व OBC और EWS के लिए 1000 फ़ी है और SC ST PWBD और महिला कैंडिडेट के लिए इसमें फ़ी में एग्जम्पशंस है, यानी उनको फ़ी नहीं देना पड़ेगा। इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं या वहां से विजिट करके आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, फिर उसको फिलअप कीजिएगा, है ना। तो गुड लक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।